आनंद विहार की राइड है भाई स्टेशन की, 3 किलोमीटर पिकअप दिखा रहा है। कस्टमर से 3200 रुपए लिए मैंने, मुझे मिले 2300 रुपए। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 4 किलोमीटर दिखा रहा है लेकिन ट्रैफिक बहुत है। हाँ भैया कहाँ पर हो आप? भैया ग्लोबल मॉल के बाहर खड़ा हूँ मैं, बाहर निकल के जो रोड है ग्लोबल मॉल पे। कितने पैसे है? मैं नहीं दिखाऊंगा। रैपिडो ये राइड थी भाई, जैसे मैंने एक्सेप्ट करी कस्टमर ने कैंसिल कर दी। 387 पेटीएम रहेगा, कार्ड है तो भाई 60 रुपए हो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज अपन ब्लॉग किस तो अपने घर से कर रहे हैं और भाई इवनिंग से कर रहे हैं। टाइम रखा है 4:57, मतलब कि भाई शाम के बज चुके हैं 5, तो सुबह भाई अपन सो के उठे थे लेट 9 बजे, फिर अपनी वीडियो एडिट करी आज वाली, जो कल अपने वीडियो शूट करी थी आज वो एडिट करी है, आज वो अपलोड करी है, पब्लिश होने वाली है 5 मिनट के बाद ही। मेरी वीडियो टाइमिंग 5 मिनट का है, तो अभी अपन सब चीज़ से हो चुके हैं फ्री, तो अभी अपन करते हैं पहले करेंगे ओला लॉगिन, फिर करेंगे रैपिडो लॉगिन। बाकी पोर्टर का कुछ पता नहीं है करें ना करें, क्योंकि भाई शाम का टाइम काफ़ी हो चुका है, शाम के टाइम पोर्टर के ऑर्डर थोड़े कम रहते हैं, दिन में अच्छे होते हैं। मैंने सोचा था भाई कि जल्दी फ्री हो जाएंगे वीडियो से, लेकिन जल्दी फ्री हो नहीं पाए, कुछ काम घर का था वो भी फंस गया था, तो इस चक्कर में भाई अपन आज इवनिंग काम करेंगे, तो जल्दी से अपन करते हैं अपन ओला में लॉग इन। भाई फ़ोन अपना हो चुका है पूरा चार्ज, 99%। डेटा ऑन कर लेते हैं, डेटा ऑफ कर दिया था मैंने क्योंकि भाई चार्जिंग के टाइम थोड़ा सही से काम करता है। इधर अपना हेलमेट रेडी है, इधर मम्मी ने चीकू काट दिया, मैं चीकू खा लेंगे, ओला कर लेते लॉगिन। इतने भाई कोई राइड आएगी इतने अपन ये भी खा लेंगे, लो भाई अपडेट मांग रहे हैं, अपडेट भी कर लेंगे इसको और लॉगिन भी कर लेंगे। अभी तक आज अपनी कोई राइड नहीं है तो इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन तो मतलब ऑलरेडी है, ये ऑन ड्यूटी गया अपने ने, इसको डिसमिस कर दो, ऑन ड्यूटी कर लिया है। इतने अपन अभी चीकू वगैरह खाते हैं अपने और फिर अपना इनको खाते हैं अपने, कोई राइड वाइड आती है फिर से निकलते सीधा राइड के लिए, फिर मिल सकते राइड पे। ये अपनी फर्स्ट राइड आ चुकी है, फर्स्ट राइड है अतुल भैया की। इन भैया को मैंने कल भी पिकअप किया था सेम लोकेशन से ही, आज भी इनकी राइड मेरे पास ही आ गई है, तो मैंने इनसे बात करी थी, भैया बता रहे थे कि मैं डेली आता हूँ यहाँ से। मैंने तो अच्छी बात है भैया अपने लिए, क्योंकि मैंने कल भी 5 बजे करीब लॉगिन किया था इवनिंग में, आज भी 5 बजे करीब लॉगिन करा है, तो चलते ही था भैया को पिकअप करते हैं। भैया कहाँ खड़े भैया आज? ओ ये खड़े भैया, ये खड़े भैया को पिकअप कर लिया है। भैया की लोकेशन सेम लोकेशन है जहाँ भैया कल ड्रॉप किया था जजिंग क्लिप के पास, आज भी लोकेशन सेम ड्रॉप वही है। चलते ही था भैया को ड्रॉप करते हैं, सीधा आपको मिलता है ड्रॉप लोकेशन पे। आज हो गया तो भाई 60 रुपये हो गए, कस्टमर कर दिया UPI सबमिट करके, 5 रेटिंग देके डन करते हैं और अपने को बनाए 82 रुपीज़। 60 रुपये दिए कस्टमर ने और अपने को मिले मतलब 82 रुपये मिले अपने को। और भाई अभी ना अपन चलते हैं बाइक को पेट्रोल लगाने, देखो यार पेट्रोल कंपलसरी है, बात सही है। अभी चलते हैं भाई पेट्रोल पंप, जब भैया को मैंने पिकअप किया था थोड़ी देर बाद ही मेरी बाइक रिजर्व में लग गई थी। खैर अभी बाइक चल जाएगी काफ़ी अच्छी, 40 किलोमीटर तक बाइक चल जाएगी, लेकिन भाई अपन रिक्स नहीं लेंगे, जरा से कोई राइड लंबी आ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी अपने लिए। कभी कभी कोई कस्टमर बोलता भाई पहले सेकंड लाया पेट्रोल, ये बहुत सारी बातें होती है, इससे अच्छा अपने ने आईडी 2 मिनट के लिए ऑफलाइन कर लिए, पहले डालेंगे पेट्रोल फिर करेंगे भाई आराम से लॉगिन आईडी। कौन डालेगा पेट्रोल भाई? ये वाले भैया खाली खड़े हैं, इनके पास अपना नंबर है, सबसे ज़्यादा लाइन कम यहाँ पर ही है, बाकी सब्जी की लाइन काफ़ी अच्छी लगी हुई है। 387 पेटीएम रहेगा, कार्ड है। पेट्रोल तो भाई अपना हो चुका है, अब अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा लेते हैं क्योंकि भाई फ़ोन की बैटरी कम होती जाती है। ये जो एप्लीकेशन है ना ओला और रैपिडो भाई बहुत बैटरी खाती हैं, सबसे ज़्यादा बैटरी खाता GPS भाई, तो इसको पहले फ़ोन चार्जिंग में लगा लेते हैं अपन। इधर रैपिडो को भी लॉगिन कर लेते हैं भाई, क्योंकि भाई ओला में पता नहीं राइड आए ना आए, कितनी देर में आए, कितने में किसी में आए उसमें कर लेंगे। वैसे अपना मेन रहेगा ओला में क्योंकि जो भी रैपिडो में अपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा। टाइम देख लो भाई 6:25, एक बुकिंग आई थी अभी भाई वो भी होगी कैंसिल क्योंकि भाई कस्टमर ने कैंसिल कर दी। ये राइड थी भाई जैसी मैंने एक्सेप्ट करी कस्टमर ने कैंसिल कर दी। 1 घंटे बाद राइड आई है भाई, ये भी भाई पिकअप तो पास सही है, 200 मीटर पिकअप है, लेकिन जाना कहाँ वो जाके देखेंगे, मैंने बस एक्सेप्ट ली जल्दी जल्दी में भाई। 1 घंटे तक कोई राइड नहीं आई थी, दिमाग ख़राब हो गया, मैंने पढ़ दी भाई जो भी आ रहा है उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर और जल्दी से पिकअप करने चलते हैं उस कस्टमर को। रैपिडो 3097 एक मिनट बैठ गई, एक नहीं बीच में रख रखो रख लो। अच्छा नहीं लगने के नहीं, मैं ज़्यादा बाहर निकले तो बंद हो गया। मैडम को पिकअप कर लिया है भाई, सेक्टर 3 की राइड है, 6 किलोमीटर की है सेक्टर 3 वैशाली की, तो ये भाई 15 मिनट दिखा रहा है, तो चलते ही इधर ड्रॉप करते हैं इनको। थोड़ा सा ट्रैफिक दिखा रहा है आगे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं कवर कर लेंगे हम ट्रैफिक को भी, जल्दी से निकलते हैं इनको
ड्रॉप करते हैं इनके लोकेशन पे। लोकेशन पे तो आगे है भाई इनकी, बस थोड़ी सी आगे दिखा रहा है, बस बिल्डिंग है सामने वही दिखा रहा है, थोड़ा यही ट्रैफिक दिखा रहा था अपने को पहले भी और अब भी यही ट्रैफिक ही दिखा रहा है थोड़ा सा। बस यहीं पर आगे उतरोगे? उतरूंगी तो आगे ही, लेकिन एक बार तो देखने दो पैसे हैं। क्या बोला तूने? कितने पैसे हैं? मैं नहीं दिखाऊंगा। 49 49 कैश यू क्या? थैंक यू। 49 की राइड है भाई, 50 मिल गए अपने को। कलेक्ट कैश कलेक्टेड। रैपिडो भाई बहुत पैसे काटती है, 49 रुपये की राइड थी, अपने को सिर्फ मिला 39 रुपये। ओला में तो भैया कुछ नहीं आया, अभी रैपिडो में एक राइड आई है, एक और अभिनव भैया की राइड आई है, तो 200 मीटर पिकअप दिखा रहा, 200-250 मीटर। बस चलते भैया को पिकअप करते हैं, और भैया हमको भी निकलने दो यहाँ से, थोड़ा सा स्पेस हो जाए बस हम भी निकल जाएंगे। चलो भाई अपनी बाइक निकल चुकी है यहाँ से, बस सामने लोकेशन दिखा रही है भैया की 200 मीटर यहाँ से, करते भैया को पिकअप चल के लोकेशन पे। पिकअप लोकेशन पे आ गए, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, फ़ोन लगाया भाई को, पूछता हूँ भाई कहाँ हो, कैसे, क्या क्या सीन है आपका? हाँ भैया कहाँ पर हो? भैया ग्लोबल मॉल के बाहर खड़ा हूँ मैं, बाहर निकल के जो रोड है ग्लोबल मॉल पे। मैं भैया HDFC बैंक दिखा रहा, लोकेशन पिकअप लोकेशन आपके यहीं पे। HDFC बैंक ये कहाँ है? ग्लोबल मॉल भी नहीं पता मेरे को तो भाई, मॉल के बराबर में वाइन शॉप की दुकान है, उसके बराबर में HDFC बैंक है। तो आप आ जाओ बाहर, आ जाओ ना उस इस साइड से, मेन रोड पे को आ जाओ आप, इधर इधर देखो आपके सामने से गाड़ी आ रही होगी, एक होंडा सिटी अंदर घुसी है अभी। हाँ, यही HDFC बैंक पे, लो बाहर ही खड़ा हूँ आइसक्रीम के ठेले के पास, ये इधर आओ, इधर देखो इधर इस साइड। हाँ आपने देख लिया? हाँ ये आप ही तो आ रहे हो सामने से। हाँ ठीक, मैं आपको फोन मिला रहा था, आपका नंबर नहीं मिल रहा था। आपका नंबर भी नहीं मिल रहा ये वाला? नहीं जो आपका नंबर, मैं आपको जिस नंबर से फोन मिला रहा था ना। अच्छा अच्छा, OTP बता दूंगी। OTP है भैया 9441। बैग को बीच में रख लेना आराम से, ठीक है ना? ज़्यादा लंबा वो नहीं, नहीं ऐसा ना रात का टाइम है ना, दिक्कत होती है कहीं अटक जाए कोई, यहीं से निकलना है ना। मेरे को पता नहीं है ना, मैप से ही आऊँगा। बीच में रख लो, बीच में रख लिया। चलो चलो कोई बात नहीं, होगा नहीं, मैं हूँ तो लोकल से, लेकिन मैं इस साइड आता नहीं हूँ ना, वो गाजियाबाद से हूँ मैं भी। मुझे डायरेक्ट मेट्रो मिल जाएगी यहाँ से, निकाल। अच्छा पहले वैशाली जाता तो वहाँ से अभी ट्रेन 8 बजे। हाँ सही सही बात, 4 किलोमीटर दिखा रहा लेकिन ट्रैफिक बहुत है। 4.1 है बल्कि, और एयरपोर्ट की राइड छोड़ दिया भैया की, 3200 की राइड थी, भैया ने दे दिया अपने को UPI 3500 रुपये। अच्छी बात है भाई, इसको डन कर देते हैं, रेटिंग दे के रेटिंग डन। और यार अभी एक ओला में राइड आ रही थी, जैसे मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा था इतनी ही चली गई भाई वो। ख्याल चलो कोई नहीं, वेट करते नेक्स्ट राइड के लिए। कस्टमर से 3200 रुपये लिए मैंने, मुझे मिले 2300 रुपये। ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे, 9 रुपये यहाँ कट गए। आनंद विहार की राइड है भाई स्टेशन की, 3 किलोमीटर पिकअप दिखा रहा है, और राइड है कि 30 रुपये की, इसलिए अपन जा रहे हैं, वरना अपन जाते नहीं। 2 hours later फाइनल भाई घर पहुंच चुके थे, 4th राइड थी अपनी जो अपने ने आनंद विहार से पिकअप करी थी, और फिर उन जो अंकल जी थे उनको अपने को लेके जाना था नई दिल्ली। अब भाई जैसे पिकअप करने जाता भाई अपना थोड़ा सीन हो गया था, सीन क्या हुआ है मैं सीन दिखाता हूँ आपको, क्या सीन हुआ है आपको समझ में आ जाएगी, फिर बताऊँगा डिटेल में क्या बात हुई थी। सीन भाई ये हुआ है, जो अपना हेलमेट का माउंट है, माउंट टूट चुका है प्रॉपर, पहले भी टूट गया मेरा एक बार, जब तो मेरे से गलती से गिर गया था हेलमेट तब, और आज फिर टूट गया है। और जो टूटा है ना भाई, सिर्फ ये चीज़ टूटी है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको एक बार। भाई ये टूटा है, ये अपना यहाँ पे इस तरह लगता है, और ये चीज़ लगती है इसके अंदर, ये टूटा है, टूटा कैसे वो बताऊँगा आपको। थोड़ी सी चोट मेरे भी लग गई है भाई, ये भाई अपने लगी है। यार ऐसा हुआ था, मैं भाई जैसे ही अपना राइड आई मैं चला पिकअप करने के लिए, तो एकदम भाई मेरे आगे पत्थर आ गया काफ़ी बड़ा था भाई, बाइक उछल गई और मुझे लगा भाई कुछ गिरा मेरी बाइक से। मैंने देखा भाई बाइक पे फ़ोन लगा हुआ है जिससे अपना जिसमें अपनी राइड वगैरह आती हैं, बट जो फ़ोन अपना यहाँ लगा हुआ था ना भाई माउंट पे, वो माउंट टूट गया। और भाई यहाँ से पता नहीं क्या, जब भी टूटता है यहीं से टूटता है, और ये जो पत्ती सी है ना, ये जो है भाई ये क्लिप जो है मिलती भी नहीं है यार, पूरा माउंट नया लेना पड़ता है, जो कि अपने को भाई 500 रुपये समथिंग का पड़ता है। पहले भी अपने 500 रुपये था, फर्स्ट टाइम भी, सेकंड टाइम टूटा, फर्स्ट टाइम जब अपने परचेज किया था तो 500 का पड़ा था, 499 का। सेकंड टाइम फिर टूट गया था एक बार, तब 500 का पड़ा, अब फिर टूट गया, अब भी 500 का करना पड़ेगा अपने को। खैर मैं इसको अभी रात को सोते टाइम अभी बुक कर दूंगा इसको, क्योंकि भाई मुझे अब बुक करूंगा, कल तो आएगा नहीं, परसों वाले दिन आएगा, 2-3 दिन फिर दोबारा अपनी वीडियो गैप हो जाएगा।
अब भाई क्या कर सकते हैं, जो नसीब में लिखा है भाई होना वही है। कमेंट करके बताना अगर आपको कहीं से कुछ चीज़ मिलती है भाई। मैंने पहले ट्राई किया था, मुझे नहीं मिला था, तो आप बताना कमेंट करके ये कहीं से मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो भाई न्यू तो लेना ही अपने को। खैर छोड़ो भाई, मैं आपको जो मैंने अपनी राइड करी है कंप्लीट उसकी अर्निंग क्या वो दिखा दूंगा, उसके बाद जो अर्निंग थी वो भी दिखा दूंगा आपको, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब इस चक्कर में ना भाई मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया। मैंने एक राइड लंबी वो करी नई दिल्ली की, उसके बाद फिर मैंने भाई गो टू होम लगाया, एक राइड मेरे को और मिली नई दिल्ली से शालीमार गार्डन की, मैंने वो राइड करके अपना घर आ चुका था मैं। टाइम भी काफ़ी लेट हो गया, इस चक्कर में मैंने भाई मन नहीं रहा उस काम वाम करने का। काम तो ठीक ठाक हो गया, 500 रुपये समथिंग का काम हो गया, वो मैं आपको दिखा दूँगा काम कैसे कैसे क्या काम हुआ है। पहले आप वो देखो मैंने जो राइड करी है उसके कितने पैसे मिले हैं, फिर सेकंड जो मतलब सेकंड मतलब माउंट टूटने के बाद जो सेकंड राइड करी है उसके कितने रुपए मिले हैं। टोटल मतलब अपने ने 5 राइड करी हैं, 3 ओला में 2 रैपिडो में। रैपिडो में तो भाई साइड छोटी छोटी राइड थी, पैसे भी बहुत कम मिले रैपिडो में, बट ओला में 3 राइड करी है, ठीक ठाक पैसे हो गए अपने। तो फिलहाल आप वो देखो फिर मैं आपको बताऊँगा एक बात। तो जैसा कि यार आपने देख लिया अपनी 2 राइड रैपिडो की थी, जैसा कि यार आपने देख लिया भाई जो अपने ने राइड पिकअप करी थी आनंद विहार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो भाई अपने को मिले थे 187 रुपये उस राइड के। कस्टमर से अपने ने लिए थे 185, लेकिन जब राइड आई थी 130 की राइड आई थी और कस्टमर बोल रहे थे भाई 90 रुपये की राइड मेरी हुई थी, अब इसमें इतने पैसे क्यों दिखा रहा है। मैंने सर मेरे को उसका नहीं पता, आप अपने ऐप में चेक कर लीजिए, उसमें आपको सब डिटेल में दिखा देगा कहाँ पर क्या कितना हिसाब हुआ है, मुझे आप मेरी पेमेंट करा दीजिए। नई दिल्ली भाई अपने राइड कंप्लीट करी अपनी आनंद विहार वाली, फिर उसके बाद काफ़ी देर तक कोई राइड नहीं आई, लेकिन फिर मैंने गो टू होम लगाया, मैं अपना भाई वेट करता रहा, तो भाई अपने पास राइड आई थी ये मतलब वहीं से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पिकअप किया था इनको भाई, ये थी शालीमार गार्डन की अपने मतलब शाहबाद गाजियाबाद के पास की, तो इसको करके अपन घर के लिए निकल आए थे। जैसा कि यार आपने देख लिया अपनी जो सेकंड लास्ट राइड थी उसमें अपनी क्या अमाउंट मिली है, जो लास्ट राइड थी उसमें अपने क्या अमाउंट मिली है। भाई बाइक चली है अपनी बस 60 से 65 किलोमीटर अपनी प्रॉपर बाइक चली है काम करने में, बाकी भाई थोड़ा बहुत तो घर वर आने में एक्स्ट्रा चली जाती है। 65 किलोमीटर टोटल अपनी बाइक चली थी, 60 से 65 किलोमीटर समथिंग, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ भाई राइड का सीन क्या था। और सबसे पहले आते हैं अपन रैपिडो के अंदर, रैपिडो में अपना कमा हुआ 62 रुपये का सिर्फ, देख लो भाई इसको राइड में खोल लेते हैं। टुडे रनिंग में आके अपनी हुई है सिर्फ और सिर्फ 2 राइड, जो कि भाई 40 रुपये की एक है, 23 रुपये की एक है, इसको अपन बैक कर लेते हैं। अब आते हैं अपन ओला के अंदर, भाई ओला में अपनी हुई है 3 राइड, काम हुआ है 437 का, इसको अपन ओपन करते हैं, अर्निंग हिस्ट्री में आ जाते हैं और अपने को देखना है 12 मार्च का अर्निंग। 12 मार्च की अर्निंग में आ गए भाई अपन, तो भाई ये देख लो फर्स्ट राइड थी अपनी 82 की, ये सेम कस्टमर मिल गए थे, मतलब कल भी अपने ने कस्टमर को ड्रॉप किया था और आज भी किया है सेम टाइम पे। और भाई फिर अपने ने कर दिया 7:30 बजे 187 की राइड थी, ये राइड थी आनंद विहार से जो अपने ने नई दिल्ली छोड़ा था, फिर ये राइड थी नई दिल्ली से लेके आपकी नई दिल्ली से लेके शालीमार गार्डन की, यही अपनी लास्ट राइड थी। तो भाई 436 रुपये 68 पैसे ये वाले हो गए, 436 रुपये 68 पैसे, और यहाँ है अपने 62 रुपये 48 पैसे, 62 रुपये 48 पैसे, मतलब भाई 499 काम हो चुका है दोनों में। यहाँ पे देख लो भाई आप 436 रुपये 68 पैसे, 62 रुपये 48 पैसे, ये हो गया भाई 499, मतलब भाई 500 रुपये काम हो चुका है अपना, 500 रुपये काम हो चुका है। 500 रुपये काम में आप जो बाइक चली मैंने आपको वो भी दिखा दी, मतलब भाई 100 किलोमीटर समथिंग 100 रुपये समथिंग का तेल भी लग गया है और बाकी 350-400 रुपये अपने बच गए हैं। पार्ट टाइम के लिए बहुत बेटर काम है ये। मैं घर से सोच के निकला था भाई कि अच्छी खासी राइड कर लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन भाई कुछ अच्छा नहीं हुआ, नुकसान भी हो गया, काम भी ठीक ठाक नहीं हुआ। वैसे देखा जाए ठीक ठाक हुआ, लेकिन ज़्यादा खास काम हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। जो है मेरे हिसाब से भाई कम से कम 700 समथिंग का काम होना चाहिए था, मैं जो 5 बजे से लेकर 10 बजे तक काम कर रहा हूँ, तो अब भाई ये नुकसान हो गया है। इस चक्कर में मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, तो काफ़ी टाइम ख़राब भी हुआ मेरा, ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम रहता ना भाई, इस तरह की दिक्कत चलती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी इस ब्लॉग को अपन ही एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और भाई कमेंट कर बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा। नेक्स्ट का थोड़ा सीन ऐसा है, अभी माउंट बुक करेंगे, माउंट आएगा तभी कुछ ब्लॉग वगैरह बनेगा, बाकी कुछ देखेंगे अपन। पुराना काम भी अमेजोन वाला भी है, उसमें कुछ मिलेगा तो करेंगे। तब तक के लिए भाई बाय बाय, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।